फिल्टर होता है, इसको हम सीरीज इंडक्टर फिल्टर के नाम से जानते हैं, ये एक्चुअली लोड के साथ में सीरीज में कनेक्टेड होता है, या जो हमारा रेक्टिफायर के द्वारा मिलने वाला जो आउटपुट होता है इसके सीरीज में हम एक इंडक्टर फिल्टर को, इंडक्टिव कॉइल को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इंडक्टर फिल्टर का जो इंडक्टर का हम जानते हैं कि जो रिएक्टेंस होता है, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, ये होता है 2πfL, आपके 2π और जो इंडक्टेंस है इंडक्टर का वो कॉन्स्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यदि हम इनको कॉन्स्टेंट मान लें तो XL इज प्रोपोर्शनल टू F हो जाता है। ठीक है, XL इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। इट मींस यदि फ्रीक्वेंसी का मान इंक्रीज होगा, इट मींस यदि फ्रीक्वेंसी का मान बेटा इंक्रीज होगा तो उस केस में क्या होता है कि आपका रिएक्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। जब इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि वहां से करंट को फ्लो नहीं होने देगा, ब्लॉक कर देगा। तो देखो रिएक्टेंस इंक्रीज हो गया तो यहाँ का इसका रेजिस्टेंस रिएक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ से एसी में ही फ्रीक्वेंसी होती ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी उसको फ्लो नहीं होने देगा, तो एसी की फ्रीक्वेंसी होती तो एसी को आगे फ्लो नहीं होने देता, एसी को यहीं पर ब्लॉक कर देता है, यहीं पर स्टोर कर लेता है और उसके बाद में डीसी को आगे जाने देता है। ठीक है, देखो डीसी की फ्रीक्वेंसी का मान बहुत कम होता है, लगभग मतलब फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है, इट मीन्स डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। जब इसको जीरो करोगे तो रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, रिएक्टेंस का मान क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। जब रिएक्टेंस का मान जीरो होगा तो डीसी के लिए ये जीरो रिएक्टेंस को शो करता है, मतलब कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो जीरो हो जाता है डीसी के केस में, सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो हो जाता है डीसी केस में। तो यहाँ पर हमको केवल और केवल क्या करता है, डीसी प्रोवाइड करता है, प्योर डीसी यहाँ पर मिलता है, जबकि एसी के कंपोनेंट यहाँ पर नहीं आते हैं। ठीक है, तो जो इंडक्टर फिल्टर है ये डीसी के कंपोनेंट को जाने देता है, एसी कंपोनेंट को यहीं पर रोक लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका इंडक्टर फिल्टर होता है। इसका एक्चुअली फंक्शन होता है ये टू स्टॉप DI/DT, ये करंट में परिवर्तन का विरोध करता है। जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है टू स्टॉप DI/DT, मतलब की टू स्टॉप DI/DT इसको एक्चुअली बोलते हैं करंट में परिवर्तन, टाइम के रेस्पेक्ट में करंट में परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, DI/DT। ठीक है, तो जो आपका करंट में परिवर्तन है वो इंडक्टर उसको क्या करता है, स्टॉप कर देता है। ठीक है, हमारा जो इंडक्टर है वो स्टॉप कर देता है। ठीक है, आई होप आपको इंडक्टर फिल्टर समझ में आया होगा। इसके बाद में चलो कैपेसिटर फिल्टर के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, शंट कैपेसिटर फिल्टर, इसका जो डायग्राम होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ कैपेसिटर होता है, ठीक है, यहाँ पर कैपेसिटर होता है, यहाँ पर आपका लोड होता है, यहाँ पर आपको प्योर डीसी मिलती है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे ही हम यहाँ से क्या प्रदान करते हैं, पल्सेटिंग टाइप डीसी, पल्स के रूप में यहाँ पर डीसी होती है, देखो पल्स के रूप में डीसी होती है। यहाँ से मिलने वाला जो आउटपुट होता है ये कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये क्या करता है कि जो एसी कंपोनेंट होता है, एसी के कंपोनेंट को नीचे जाने देता है और डीसी कंपोनेंट को ब्लॉक कर देता है। डीसी यहां से देखो एसी क्या करेगा, फ्लो कर देगा नीचे की ओर, लेकिन जो डीसी होगा उसके लिए ब्लॉक कर देता है रास्ता, तो नीचे डीसी ब्लॉक नहीं जा पाता, तो ये आगे डीसी यहां चला जाता है। ठीक है, और यहां पर हमको प्योर डीसी प्राप्त हो जाता है। अब ये भी जो इसका कॉन्सेप्ट है ये भी
क्या है xc इक्वल्स टू होता है 1/2πfL, ठीक है। तो ये क्या होता है यहाँ पर 2πfC, यहाँ पर जो आपका ये कॉन्सेप्ट होता है ये जस्ट इंडक्टर से अपोजिट होता है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के मान के इंक्रीज होने पर जो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। जबकि फ्रीक्वेंसी के मान को यदि इंक्रीज करें तो ये डिक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी के मान को डिक्रीज करें तो आपका रिएक्टेंस भी इंक्रीज होगा, जस्ट अपोजिट इनका रिलेशन होता है, ठीक है। तो इसीलिए जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है उसको नीचे की ओर जाने देता है और जिसमें फ्रीक्वेंसी जीरो होती है उसको आगे पास हो जाने देता है। तो यहाँ पर हमको आउटपुट में प्योर डीसी प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस है, आरएल मतलब होता है लोड रेजिस्टेंस, क्लियर है इतना सारी चीज सभी को। चलिए दूसरी क्लास ज्वाइन करोगे ना, इस क्लास का टाइम एंड हो रहा है, सभी लोग दूसरी क्लास ज्वाइन करेंगे। Yes, sir.